Hello student, myself Dr. Varsha Jotwani. In an earlier class, we studied about the if-else condition variable scope. Today we will cover PHP loop types. So let's start what is a looping and what kind of a loop type will incur into it. So PHP loops. Loops in a PHP are used to execute the same block of a code a specified number of times. जो PHP में जो loops होता है उसका main ये role रहता है कि हम उसको जो same block of code है उसको number of time execute करा सकते हैं. तो looping का जो concept आया है वो इसीलिए है कि आप उसको iterate कितनी बार करते हैं आप अपने statements को जितने नंबर ऑफ टाइम आप इटरेट करना चाहते हैं. सो यू डोंट हैव टू राइट अगेन एंड अगेन, यू हैव टू सिंपली पुट द कंडीशन ओवर इट एंड अकॉर्डिंग टू दैट द लूप विल एग्जीक्यूट. सो दीज आर द कैटेगरीज ऑफ अ लूप्स, दैट इज अ फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल एंड फॉर इच. अपार्ट फ्रॉम इट वी विल स्टडी अबाउट द ब्रेक स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट. So let's begin with for loop statement. PHP for loop statement can be used to traverse the set of a code for the specified number of a time. It should be used if the number of iteration is known, otherwise use while. PHP में जो हमारा रहता है वो हम जो concept use करते हैं उसको हम code को traverse करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इसमें हमारे स्पेसिफाइड नंबर्स ऑलरेडी फिक्स रहते हैं, दैट मींस हमारे जो नंबर्स रहेंगे वो फिक्स रहेंगे और हमें कितने इटरेशन उसको देना है और ये इस पर डिपेंड करता है. अदरवाइज हम नहीं तो फॉर लूप नहीं यूज करके हम व्हाइल लूप यूज करते हैं. सिंटेक्स की अगर बात की जाए तो फॉर लूप का जो सिंटेक्स रहेगा, इनिशियलाइजेशन सेमी कोलन, कंडीशन सेमी कोलन, इंक्रीमेंट और आपका ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और कर्ली ब्रेसेस में आपके स्टेटमेंट जो आपको एग्जीक्यूट कराना वो होगा. यहाँ अगर उसका फ्लो चार्ट की हम बात करें, सो इट बिगिंस विद इनिशियलाइजेशन, कंडीशन विल बी टेस्टेड, इफ द कंडीशन विल बी द ट्रू फर्दर द स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट डिपेंड अपॉन द हाउ मेनी नंबर ऑफ अ टाइम यू वॉन्ट टू एग्जीक्यूट द सेम स्टेटमेंट बाय इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑर्डर. It will execute till our condition will be true. Otherwise, if the condition won't match, it goes to the termination point. Next, we can better understand with this example. This is a PHP code for loop. Here I am assigning the variable n with a 1. And dollar n is lesser than equals to 10. Dollar n plus plus. Here I am incrementing that variable. Dollar n plus plus plus. That means हमने यहाँ पे इसकी initialization करी है 1 से. Lesser or equals है हमारा 10 तक. मतलब वो 10 तक तो accept करेगा, लेकिन जैसे ही वो 10 के अबाव आएगा यहाँ आपकी condition false होना start हो जाएगी. और हर बार आप उसमें increment होता चला गया. यहाँ पे हेयर आई एम गोइंग टू व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू प्रिंट इट ओवर हेयर. हेयर आई एम गोइंग टू प्रिंट इको डॉलर एन. और क्योंकि मुझे हर बार अपना आउटपुट नेक्स्ट लाइन में चाहिए या न्यू लाइन में चाहिए, हेयर यूजिंग अ बीआर ब्रेक कमांड, ब्रेक विथ अ बीआर टैग एंड क्लोज विद अ कर्ली ब्रेसेस. यहाँ पे आपका पीएचपी का टैग लाइन आपका कंप्लीट हुआ. जब हम इसको उसका जो रन करेंगे उसका आउटपुट स्क्रीन पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक तो उसका आउटपुट शो होगा. 10 के बाद जैसे ही वो 11 आएगा और यहाँ पे 11 इज लेसर देन इक्वल्स टू 10, यहाँ पे कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है. तो यहाँ पे ये चीज आपका आउटपुट स्क्रीन में ये टर्मिनेशन हो जाएगा. मतलब जो वो आउटपुट शो करेगा 1 से लेकर 10 तक का करेगा. नेक्स्ट इसी में मैंने बताया है आपकी फॉर लूप में, जिसमें मैं चाहती हूँ कि इनफाइनाइट तक चले. तो इनफाइनाइट करने के लिए मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया अपना वेरिएबल.
डॉलर आई इज इक्वल टू वन और यहाँ पे मैंने फॉर की कंडीशन लगाई है. हेयर आई एम गोइंग टू टर्मिनेट ओवर हेयर विद द टर्मिनेट नॉट बट दैट मींस दिस इज द कंडीशन. हेयर आई एम यूजिंग द सेमी कॉलन without using an initialization, without using any lesser and greater condition, without any incrementing or decrementing operation. I just use a two semicolon within that bracket. This is the for loop. और मैं चाहती हूँ कि इसका ना कोई initialization हो, ना उसमें कोई condition apply हो, ना कोई उसमें increment decrement हो. लेकिन मैं statement में चाह रही हूँ कि जो भी मेरी i की value हो है, वो plus होती चली जाए infinite तक. क्योंकि यहाँ पे मैंने इसका कुछ सेट नहीं किया है, फाइनल मार्क नहीं किया है कि यहीं तक की एग्जीक्यूशन होना है, यहीं तक इंक्रीमेंट होना है. तो वो क्या करेगा, हर बार न्यू लाइन में वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सो ऑन करके वो प्रिंट करता चला जाएगा. तो ये मेरा एक और फॉर लूप का एग्जांपल है. होप यू आर गेटिंग इट वेल. कम अलोंग विद द व्हाइल लूप स्टेटमेंट. अब while loop की बात करें, the while statement will execute a block of a code if and as long as a test expression is true. While statement भी execute जो करता है block of code को तब तक करता रहता है जब तक वो condition उसकी true उसको मिलती रहती है. जहाँ false होगी वहाँ पे वो उसको terminate कर देगा. यहाँ पे मेरा condition है, यहाँ पे आपका conditional code execute हुआ. एग्जीक्यूट होने का यहाँ पे जब तक ट्रू रहेगा तो ये देखो ये जो इनक्लोजर्स बताया है वो कंडीशन में ये चलता रहेगा. जहाँ कंडीशन फॉल्स होगी वहां पे ये फॉल्स हो जाएगा. नेक्स्ट है इसका एग्जाम्पल से अगर हमको समझे. वाइल का जो सिंटेक्स है, वाइल कंडीशन आएगी और यहाँ पे आपका वाइल में सिर्फ सिंपली आपको कंडीशन लिखनी है और कर्ली ब्रेसेस में आपका जो भी कोड. इफ यू गो थ्रू दिस एग्जाम्पल, ये मेरे पीएचपी का टैग है. यहाँ पे मैंने असाइन कर दिया वेरिएबल की वैल्यू n इज इक्वल टू 1. यहाँ पे मैंने कंडीशन दे दी है व्हाइल डॉलर n इज लेसर देन इक्वल टू 8. मतलब आपकी जो भी 8 से जितने भी जो नंबर कम है वो क्या करे, कंडीशन ले, मतलब उसको चेक करता चले और हर बार वो प्रिंट करे कब तक, 8 वैल्यू तक. क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या दे दी है, नेक्स्ट लाइन में मैंने इंक्रीमेंट n प्लस प्लस दी. फॉर लूप में तीनों कंडीशन हम दे रहे थे, असाइन भी कर रहे थे, उसमें हम कंडीशन भी मेंशन कर रहे थे, तीसरा हम उसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी बता रहे थे. एक ही कंडीशन में, एक ही उसमें फॉर में हम एक ही ब्रैकेट के अंदर तीनों कंडीशन रख दे रहे थे. लेकिन अगर मैं यहाँ पे वाइल की बात करूँ तो हेयर आई हैव असाइन्ड द सेपरेटली डॉलर n इज इक्वल टू 1 एंड डॉलर n इज लेसर देन इक्वल टू 8. And what exactly I want to print it over here, I am printing over here. Dollar n is lesser than gray or dollar n plus plus. यहाँ पे आपका PHP का tag आपका लगा हुआ है और जब execution होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 you will get at the end. Let's come along with the do while loop statement. The do while loop will execute a block of a code at least once. It then will repeat the loop as long as condition is true. Do में अगर मैं सिंपली कहूँ तो उसमें आपका स्टेटमेंट सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है. मतलब स्टेटमेंट पहले चलेगा, कंडीशन बाद में टेस्ट होगी. तो यहाँ का जो इसका जो सिंटेक्स है, डू कोड टू बी एग्जीक्यूट, जो भी आपको कोड एग्जीक्यूट कराना है, और वाइल करके आप उसके बाद अपनी कंडीशन मेंशन करेंगे. यहाँ पर अगर सिंटेक्स इसका फ्लो चार्ट देखा जाए तो डू कंडीशन मतलब स्टेटमेंट आपका पहले चलेगा, कंडीशन आपकी बाद में एग्जीक्यूट होगी और अगर ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये ट्रू रहेगा और जहां आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ये टर्मिनेट हो जाएगा. इसको एग्जांपल से देखते हैं. व्हाट वी वांट टू प्रिंट ओवर हियर, वी विल राइट इन अ डू विद इन अ डू कर्ली ब्रेसेस एंड कंडीशन विल बी लेटर ऑन चेक अकॉर्डिंग टू इट. हियर आई एम असाइनिंग द वैल्यू ऑफ अ एन that is equals to 1, that it begins with the 1, do is equals to echo dollar n dollar n, that means यहाँ पे आपका break लगेगा और dollar n plus plus, यहाँ पे आपका 1 plus 1 that is a 2 और यहाँ पे आपकी condition check होती चल रही है dollar n is lesser than equals to 10. मतलब पहले ये प्रिंट करेगा, ये वन इस पे आएगा
उसने देखा, उसने कंडीशन को इंक्रीमेंट किया, दैट इज नेक्स्ट आपका 1+1 दैट इज 2 होना चाहिए, फिर बाद में आपकी कंडीशन ये जो चेक होगी वाई कंडीशन, ये तब तक होना चाहिए जब तक वो 10 के लेसर एंड इक्वल नहीं आ जाना चाहिए. आफ्टर एग्जीक्यूशन वी विल गेट दिस काइंड ऑफ अ आउटपुट एंड इट विल प्रिंट द नंबर फ्रॉम 1 to 10. दिस इज द टू व्हाइल स्टेटमेंट. देन देयर इज अ फॉर ईच लूप स्टेटमेंट. For each loop is used to traverse the array element. It works only on an array and object. It will issue an error if you try to use with the variables of a different data type. अब for each loop जो है concept है वो traverse करता है array के elements को. Array के elements मतलब जो same data types में है तब तक तो ठीक है, वो traverse करेगा arrays को, लेकिन वो error दे देगा अगर आपने आपने कोशिश करी कि भाई इसमें हम डिफरेंट डेटा टाइप का यूज करें तो वो एरर शो करने लगे. यहाँ पे क्या है हमारा फॉर ईच की जो कंडीशन है डॉलर एरे, इसका जो सिंटेक्स है लिखने का तरीका वो ये रहेगा डॉलर एरे एज डॉलर वैल्यू, जो भी उसकी वैल्यू रहेगी एरे को हम डॉलर एज एरे एज अ वैल्यू और जो भी आपको कोड एग्जीक्यूट कराना है. यहाँ पे आपका पूरा एरे रहेगा, जब तक वो टू रहेगा तब तक फॉर ईच चलता रहेगा और नहीं तो ये चीज कंडीशन फॉल्स हो जाएगी. इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. इसमें हमारा पीएचपी का टैग है, यहाँ पे मैं एरे कर रही हूँ डिक्लेयर एरे. एरे में मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने एरे का नाम दे दिया डॉलर सीजन इज इक्वल्स टू एरे. क्योंकि ये सारे सेम डेटा टाइप की बात कर रही हूँ, सेम डेटा टाइप में वी विल टेक द सेम डेटा टाइप. हियर आई एम टेकिंग द स्ट्रिंग समर विंटर ऑटम एंड रेनी इन अ डबल कोट्स. आई टुक द एरे वैल्यूज and assign that in the name of a array with the dollar season. Now, because in our previous slide we have studied about the syntax that array dollar array as a dollar value for each. So for each dollar array, what is the name of an array is dollar season as whatever the value I have taken a dollar element here. In a curly braces echo dollar element in a double quotes I have wrote in that one, and in the next line I want to print each and every string. So echo next line break lagta jayega aapka, aur jab hum execute karenge aapka summer winter autumn and rainy is tarike se hamara after execution you will get the result. So ye hamara declare karne ka hua ki is tarike se aap array ko जैसे कि मैंने आपको बताया था ये तो हमारी सब लूप की कंडीशंस हो गई. इसमें अब हमारा जो है मैंने अपार्ट फ्रॉम दिस लूपिंग वी विल स्टडी द पीएचपी ब्रेक आल्सो एंड नेक्स्ट इज अ पीएचपी कंटिन्यू. द स्टेटमेंट ब्रेक्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द करंट फॉर एंड व्हाइल डू व्हाइल एंड फॉर ईच लूप. ये मैं ब्रेक की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि ये लूप से ही है और लूपिंग में ही जैसे आप व्हाइल कराए डू व्हाइल लगाए फॉर लूप लगाए आप उसी चीज को उसके इटरेशन को आप इमीडिएट स्टॉप करना चाहते हैं देन वी विल यूज द ब्रेक. इफ यू यूज अ ब्रेक इनसाइड इनर लूप इट ब्रेक द एग्जीक्यूशन ऑफ इनर लूप. तो ब्रेक में है अगर आपकी कंडीशन, क्योंकि ये मैं लूपिंग की बात कर रही हूँ, आपकी कंडीशन है टू चल रही है, कंडीशन को चल रहा है चेक कर रहा है टू तब तक है ठीक है लूपिंग चल रही है. आपने यहाँ पे ब्रेक लगा दिया, यहाँ पे इमीडिएटली आपकी लूप क्या होगी अगर 10 तक इटरेशन है और आपने 5 पे ब्रेक लगा दिया इमीडिएटली इट विल स्टॉप एट द 5. इट विल नॉट प्रोसीड टू द 10. वी विल सी विद एन एग्जांपल एंड इफ यू वांट टू प्रिंट द रेस्ट ऑफ द अदर नंबर एंड हाउ वी विल गेट इट वी विल सी दिस इज in our example, if the condition will be false, it will terminate into the terminate, and we will go out from the loop. So let's see with an example. So this is the condition PHP. Here I am using the condition for loop dollar I is equals to 1, dollar I is lesser than equals to 10, a 10 and I plus plus. Here I have the initializing. Here I am putting the condition. Here I am putting the increment operation over here. Of a variable I. Here, what exactly I want to print? That is a dollar I and wait. If dollar I is equals to 5,
break that me BR, that is for the new line. If dollar I is equals to 5, here I am writing again the condition because I have to apply the break condition. यहाँ पे मैंने लिखा है if की condition use करी और curly braces के अंदर मैंने break लिख दिया. अगर मैं ये statement नहीं लिखती तब तो वो print कर देता I से लेकर 10 तक. लेकिन मैंने यहाँ पे break कर दिया है और मैं कह रही हूँ कि I का जैसे वो 5 आए equals to 5 आए तो वो statement आपका break हो जाए और वहाँ पे वो terminate. जब हम एग्जीक्यूट करेंगे सेम वही हुआ, हमने 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे वो ब्रेक. ये पूरा एग्जीक्यूशन के बाद हमारा कंप्लीट हो जाता है. ये ब्रेक इस तरीके से लगे क्योंकि मैं ये चाह रही हूँ कि लूप 10 तक नहीं एग्जीक्यूट हो और मिड ऑफ द लूपिंग इट ब्रेक द लूप एंड कम आउट फ्रॉम द लूप. इसका नेक्स्ट कंटिन्यू में पढ़ते हैं. अब ब्रेक में तो हमने 5 तक तो हमने लगा लिया था ब्रेक, बट अगर हमें लूप के बाद के भी नंबर्स चाहिए तो वो भी हमें कैसे लगाना वो भी हम देखते हैं. द पीएचपी कंटिन्यू कीवर्ड इज यूज्ड टू होल्ड द करंट इटरेशन ऑफ अ लूप बट इट डजंट टर्मिनेट द लूप. पीएचपी में कंटिन्यू जो कीवर्ड होता है वो होल्ड कर देता है करंट इटरेशन को, तो होल्ड कर देता है लेकिन वो टर्मिनेट नहीं करता लूप. उसमें टर्मिनेट हो जा रहा था, इसमें टर्मिनेट नहीं होता है. इसका जो सिंटेक्स है जंप स्टेटमेंट और कंटिन्यू है. कंडीशन आपकी ये रही और कंटिन्यू है. यहाँ पे आपने ट्रू लिखा जब तक तो एक्शन आपका परफॉर्म होता रहा, बाद में आपका क्या अगर फॉल्स है तो फॉल्स, कंडीशन अगर आपकी फॉल्स है तो वो तो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट होगी. लेकिन अगर ट्रू है, ट्रू जब तक है और कंटिन्यू ये चीज चलती रहेगी. अभी कंटिन्यू हॉल्ट के लिए पर्पज के लिए रहता है. अब वो किस तरीके से अप्लाई होगा वो भी देख लेते हैं. इसका एग्जाम्पल पीएचपी का आउटर लूप मैंने बनाया है. यहाँ पे टैग लाइन लेनी है और यहाँ पे मैंने लिखा डॉलर आई इज इक्वल टू 1, डॉलर आई लेसर देन इक्वल्स टू 3 एंड डॉलर आई प्लस प्लस. इनिशियलाइजेशन किया और आई लेसर है इक्वल्स टू 3 के, ठीक है, और आई प्लस प्लस. यहाँ पे इनर लूप ले लिया मैंने फॉर जे इज इक्वल टू 1, डॉलर जे इज लेसर देन इक्वल्स टू 3, जे डॉलर जे प्लस प्लस और एक की कंडीशन लगाई जिसमें मैं लिख रही हूँ कि डॉलर आई इज इक्वल्स टू डॉलर जे. डॉलर आई इज इक्वल्स टू डॉलर जे और यहाँ पे मैंने नॉट का लगा दिया. डॉलर आई और डॉलर जे को वो कंटिन्यू तो करे लेकिन नॉट इक्वल आए तो फिर वो उसके बाद वो स्किप व्हेन आई एंड जे डजंट हैव द सेम वैल्यू. स्किप कर दे आई और जे की वैल्यू जब दोनों की सेम वैल्यूज नहीं हो, मतलब मैच नहीं करती. अगर इक्वल है तब तक तो कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है. जैसे 1 1 1 2 1 2 पे वो बाहर निकाल देगा, हॉल्ड कर देगा. 1 3 पे भी हॉल्ड कर देगा. फिर आता है 2 1 2 1 पे भी हॉल्ड कर देगा. 2 2 सेम आगे वैल्यू उसको वो ले लेगा. 2 3 को वो बाहर निकाल देगा. इसी तरह 3 1 को बाहर करेगा, 3 2 को भी बाहर करेगा, 3 3 को कंटिन्यू करेगा. तो ये मैंने कंडीशन दो, एक आउटर लूप बनाया है एक इनर लूप बनाया है और उसके बाद मैंने कंटिन्यू यहाँ पे लगाना शुरू कर दिया. डजंट हैव द सेम वैल्यू. यहाँ पे मैंने डॉलर आई डॉट डॉलर जे क्योंकि कंकैटिनेट कर रही हूँ तो उसके लिए मैंने डॉट ऑपरेटर का यूज किया है और न्यू लाइन में प्रिंट कराना है तो मैंने बी आर का यूज किया है. यहाँ पे मेरा कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो गया. जब मैं आउटपुट देखूंगी तो 1 1 क्योंकि ये यहाँ पे सेम क्योंकि दो मैंने एक मैट्राइसिस की तरह बन रहा है. ये फॉर लूप 1 2 3 के लिए अलग बनेगा और दूसरा जो रहेगा 1 2 3 के लिए रहेगा. यहाँ पे कंकैटिनेट हो रहा है 1 1 तो वो उसने लिख दिया. 1 2 पे वो कंडीशन आपकी फेल्स ये हो जा रही है, उसको स्किप करना है. 1 3 पे भी स्किप करना है. फिर 2 1 लेगा तो 2 1 पे भी स्किप होगा. 2 2 पे वो प्रिंट कर देगा. 2 3 पे अगेन स्किप कर देगा. 3 1 पे वो लेगा. 3 2 पे स्किप कर 3 1 पे स्किप करेगा. 3 2 पे भी स्किप करेगा. 3 3 पे वो ले लेगा. इस तरीके से हमारा एग्जीक्यूशन. तो आज मैंने लूपिंग का पढ़ाया आप लोगों को, आपको ब्रेक एंड कंटिन्यू का पढ़ाया. होपफुली यू गेट इट वेरी वेल. थैंक यू सो मच एंड वी विल come along with our next topic. Thank you.